बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का प्रोग्राम स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए है, उन यूजर्स के लिए है जो 5 मरले के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं। और अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, मुझे कमेंट्स भेजते हैं, बहुत से लोगों की कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आप इस चीज पे वीडियो बनाएं, हमें बताएं कि हमें इस वक्त सबसे ज्यादा कहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हम क्या 9 टाउन में प्लॉट लें 5 मरले का या प्रिज्म में लें। तो भाई ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा इसका सिंपल सा आंसर है कि 9 टाउन में तो इस वक्त पोजेशन अवेलेबल है, नॉन पोजेशन एरिया चला जाता है आपका प्रिज्म का। प्रिज्म में भी 2 साल 3 साल तक कोई ऐसा कोई पोजेशन के चांसेस अवेलेबल नहीं है। तो अगर तो जिन लोगों को तो घर बनाना है फौरी तौर पर, उन्हें चाहिए कि 9 टाउन में इन्वेस्टमेंट कर दें। जिन लोगों को थोड़ा सा डिले करना है, अभी थोड़ा ठहर के घर बनाने, तो उन्हें कोशिश करें कि वो भी 9 टाउन में आए, लेकिन 9 टाउन के ई ब्लॉक में, ई ब्लॉक जो कि ए बी सी डी इन ब्लॉक से स्टार्टिंग में आ जाता है। जैसे आप बेदिया रोड से एंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपके ई ब्लॉक आ जाता है। ई ब्लॉक में अभी पोजेशन तो नहीं है लेकिन वहाँ के रेट्स भी अच्छे हो गए, 50 प्लस में रेट्स चलेगी, हमें वहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है। और जैसे ही वहाँ पे पोजेशन मिल जाता है ई ब्लॉक का, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे 9 टाउन से ज्यादा रेट इसके ई ब्लॉक के देंगे, क्योंकि जैसे बेदिया से एंटर होते हैं तो सबसे पहले ई ब्लॉक आता है। ये तो बात होगी 9 टाउन के हवाले से। और उसके बाद अगर प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म में भी नॉन पोजेशन है, वहाँ 35 लाख, 35, 36, 37 लाख, 38, 40 लाख तक जो ना अच्छे प्लॉट मिल जाते थे। लेकिन इस वक्त सिनेरियो ये है जैसे मार्केट में तेजी देखने में आई। अच्छा, इस तेजी की वजूहत क्या है और तेजी किन की वजह से आई, ये आर्टिफिशियल है या एक्चुअल ये रेट्स है, और कब तक ये तेजी रहेगी, मार्केट का आगे क्या ट्रेंड होता है, और इस तेजी आने की जो वजह है उसमें गलतियां बहुत सी हमारे डीलर हजरात की भी हैं और एंड यूजर्स की भी गलतियां हैं, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो बात करें प्रिज्म की, प्रिज्म में इस वक्त 40 लाख के जो बजट में है ना, वो बाउंड्री पे प्लॉट अवेलेबल है या कब्रिस्तान की गलियों में अवेलेबल है, तो वहां पर इन्वेस्टर नहीं जाता, वहां पर एंड यूजर भी बड़ा मुश्किल होता है कि वो कब्रिस्तान की गलियों में प्लॉट दें। तो अगर इस वक्त अच्छा प्लॉट हम लोगों ने प्रिज्म में 5 मरले का लेना, तो 50-55 लाख तक चले गए, 45 लाख तक चले गए, 45 से ऊपर ही चले गए। तो अगर आज आप 45-50-55 लाख का एक प्लॉट लेते हैं तो देखते हैं जब 3 साल बाद पोजेशन मिलेगा तो क्या वो 60-70 लाख का, 80 लाख का हो जाएगा, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा रेट्स बढ़ेंगे यहाँ पे 9 टाउन में। तो इस वक्त प्रिज्म में जो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो देखें, प्रिज्म में इन्वेस्टमेंट करें, बड़े प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर लें, कैटेगरी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें, हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। आप मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट दे सकता हूँ, ऑप्शन दे सकता हूँ 9 प्रिज्म के वाले से। और अगर आप छोटे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो अभी भी टाइम है, आप कोशिश करें कि 9 टाउन में करें और 9 टाउन के भी ई ब्लॉक को देखें, क्योंकि जैसे ही वहां का पोजेशन होता है तो 9 टाउन की सबसे हॉट लोकेशन ये ई ब्लॉक, ई जो फेज है वो होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे, इन नंबर से आप रब्ता कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना लाजमी कमेंट दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन बहुत से दूसरे दोस्तों को मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़। रियल्टर्स के लिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, उसमें सर बहुत से लोगों को तो पता है कि ये चीज़